सुहागन महिला को करवा चौथ के दिन ये काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ये काम करने से सुहाग पर तरह तरह की विपदाएं आती हैं और मैं नहीं चाहती आपके साथ ऐसा हो, तो प्लीज़ ये आप काम मत करना। जिनकी भी आदत है वो ये आदत अप्लाई ना करें उस दिन। कई महिलाओं का स्वभाव बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है और छोटी छोटी बातों पर वो इरीटेट होती हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि करवा चौथ के दिन कभी भी चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्रत में हमें अपना आचरण पवित्र रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। करवा चौथ के दिन फ़ोन पर लंबी लंबी बातें नहीं करनी चाहिए, इधर की उधर नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा चुगली या बुराई भी नहीं करनी चाहिए। किसी की बात अगर आपको अच्छी नहीं भी लगी है तो भी अपने श्री मुख से कभी भी किसी के लिए बुरी बातें आप ना निकालें। इन बातों का आप ध्यान रखोगे ना तो आपका व्रत पूर्ण रूप से सफल होगा। हर व्रत के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत की जो मर्यादाएं हैं उनका पालन हर स्त्री और पुरुष को करना चाहिए। तो करवा चौथ के दिन पुरुष भी व्रत करते हैं, मेरे खुद के जो हस्बैंड हैं वो भी व्रत करते हैं, मैं भी व्रत करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी करते हैं व्रत। तो हस्बैंड हम शादी के बाद से ही व्रत करते आ रहे हैं और मैंने कभी उनको फोर्स नहीं किया, लेकिन वो नहीं खाते हैं कुछ भी और रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोलते हैं। हालांकि वो अर्घ नहीं देते हैं, मैं ही देती हूँ अर्घ्य, तो लेकिन वो पूरे दिन मेरा साथ देते हैं भूखे रहने में और जो मैंने शादी के बाद किया था उसी तरह से वो व्रत करते हैं। तो यहाँ मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी कि जो पुरुष भी अपनी पत्नियों के लिए व्रत करते हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें कि किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की बुराई चुगली क्रोध भी नहीं करना है, सोना बहुत ज़्यादा नहीं है, किसी भी व्रत में बहुत ज़्यादा सोना नहीं चाहिए। इसके अलावा श्रृंगार करके रखना चाहिए, सुंदर सुंदर कपड़े पहने, चाहे सस्ते महंगे की कोई बात नहीं, पर कपड़े जो हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे पहने चाहिए। आपने ऐसा जो बेस है जो आप पहनेंगे, कोशिश करें कि वो बेस आपका ड्राई क्लीन किया हुआ हो। अगर आप उसको आपने वो बेस करवा चौथ से पहले पहना है तो, और फिर करवा चौथ के दिन आप उसको बिना ही सही किए, मतलब ड्राई क्लीन किए ही पहन लेते हैं, तो भी दोष पनपता है। शुक्र ग्रह खराब होता है एक ही कपड़े को बार बार पहनने से। तो पुरुष भी इस बात का जरूर ध्यान रखें, नए कपड़े खरीद सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, और पुराने कपड़े हैं तो वॉश करके या ड्राई क्लीन करके ही आप करवा चौथ के दिन पहने। और इसके अलावा करवा चौथ संबंधी जो आचार संहिता हैं, जो नियम कायदे हैं, उनका पालन जरूर करें। किसी भी व्रत में हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, पानी तो ज़्यादा करवा चौथ में तो कुछ लोग तो पीते ही नहीं है रात तक पानी, अब कुछ लोग पीते हैं पानी चाय वगैरह, तो भी बहुत ज़्यादा खाना पीना नहीं चाहिए। जिनके यहाँ पर शाकाहारी खाया जाता है वो भी दिन भर ना खाएँ, कभी कभी मतलब थोड़ी थोड़ी देर में ना खाएँ, और एक या दो बारी मुँह को झूठा करना चाहिए। इसके अलावा हमें किसी भी मान अपमान से परे रहना चाहिए, निंदा चुगली से परे रहना चाहिए। हमें एक सात्विक भाव रखते हुए ये व्रत करना चाहिए। सात्विक भावों को रखने से मन में पूर्ण श्रद्धा भाव का उदय होता है, जो किसी भी व्रत को परिष्कृत करता है और उसको पूर्ण रूप से सफलता का रंग देने में सक्षम होता है। तो आज का वीडियो मैं उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफ़ी उपयोगी वाला साबित होगा।